ओके तो इसमें साइन 5x क्या आ जाएगा, पहले 5x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो d बाय डी एक्स साइन 5x का डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों में तीन चेन रूल लगेगा तो क्या आएगा 5x का करेंगे तो 5 और साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा cos 5x, तो इसका डिफरेंशिएट ये आ गया। ऐसे ही टेंजेंट का करेंगे तो d बाय डी एक्स टेंजेंट 5x, तो टेंजेंट का क्या होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x होता है और 5x का क्या आ जाएगा 5, तो इसका क्या आ जाएगा टेंजेंट का करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर 5x और 5x का करेंगे तो इंटू 5, तो क्या आ जाएगा 5 सीकेंट स्क्वायर 5x। ओके इसमें अगर हम करेंगे तो क्या लग जाएगा, इसमें इस केस में क्या लग जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है एक को एज इट इज x d बाय डी एक्स साइन 5 nx फिर प्लस साइन nx एज इट इज d बाय डी एक्स ऑफ x, यह आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें क्या लग जाएगा x तो आ गया, चेन रूल लगेगा, पहले साइन का करेंगे तो cos nx, साइन का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें अब चेन रूल लगेगा तो cos nx, अब nx का होगा तो क्या होगा इंटू एक्स प्लस साइन nx और x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा हमारे पास साइन nx और x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा क्योंकि x से रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। ओके तो देन राइट डाउन।